हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का आगमन होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल मिलता है। यही वजह है कि श्रद्धालु जन अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस मास में भगवान को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। 16 तारीख से यानी कि 16 मई से मलमास माह चल रहा है, जिसमें आज यानी कि 6ठे दिन कुछ राशि वालों को विशेष नुकसान होने के योग बन रहे हैं। इन 4 राशियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन राशि के लोगों को धन की हानि हो सकती है, घर में कलेश होने के भी चांस बढ़ रहे हैं। इनको सावधान रहने की जरूरत है। चलिए आपको बताते हैं कौन सी हैं वो 4 राशियां। आपको बता दें, मेष राशि मलमास के महीने में आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। किसी पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपको संभल कर चलना होगा। आपको घर में शांत रहने की जरूरत है, वरना लड़ाई हो सकती है। पारिवारिक और व्यवसायिक क्षेत्र में आपका दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आपका प्रमोशन भी हो सकता है। वृषभ राशि, आपको इस माह धन का लाभ हो सकता है। कहीं दूर जाने की यात्रा बनेगी, धन का सामान्य लाभ मिलेगा। परिवार में मतभेद होने से पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। मन में दुविधाएं रहेंगी, जिससे आप मानसिक रूप से बेचैन रहेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, वरना मतभेद हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों को आज कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो आपको बड़ा घाटा होने के योग बन रहे हैं। किया गया कोई भी काम सफल नहीं होगा, घर में कलेश भी हो सकता है, जिसके लिए आपको सावधानी से काम करना होगा। अपने गुस्से पर काबू रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। इनको संतान की ओर से कोई दुखद समाचार मिल सकता है। घर में अनबन हो सकती है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होने के योग बनते नजर आ रहे हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको थोड़ा शांत रहना होगा, वरना आपकी नौकरी भी जा सकती है। बॉस के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, कोई बड़ा नुकसान आपको होता नजर आ रहा है। सड़क पर चलते समय वाहन को सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना भी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए घातक साबित होगा। सिंह राशि, मलमास में आपके लिए फायदा साबित होगा, लेकिन गैर जिम्मेदार लोगों से अधिक नजदीकियां ना बढ़ाएं, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है। अपनी योजना पर फिर से विचार के काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने के आसार हैं। बाहर घूमने जाएं, लेकिन ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाजत जरूर लें, नहीं तो बाद में वो आपत्ति कर सकते हैं। कन्या राशि, मलमास में आप खूब सारा दान करें, आपको फायदा जरूर होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोगों के बीच आपकी प्रशंसा होगी। आपका रुझान धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा। यदि आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम साबित होगा। आज ज्यादा तनाव से मानसिक और शारीरिक क्षति भी पहुंच सकती है। आप कुछ आराम करें और तनाव को कम करें। पूर्व में की गई मेहनत का फल आपको मिल सकता है। कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से जिन गलतफहमियों की वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, वह आज दूर हो सकते हैं। तुला राशि, इस महीने में आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ लेके आया है। आप कहीं भी बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं, साथ ही उसमें परिवार या दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये ट्रिप मजेदार रहने वाला है। सोच समझकर आपको आगे बढ़ना होगा। भाई बहनों के साथ प्यार भरा संबंध बना रहेगा। मित्रों स्वजनों के साथ मुलाकात होगी। आपको नए नए मित्र की मिलने से आपको फायदा होगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने की संभावना है। आज आप अपनी सभी परेशानियों को एक तरफ रख दें, आपके काम और शब्दों पर गौर करें।
क्योंकि आधिकारिक आंकड़े समझने में मुश्किल होंगे। आज आपको अपने प्रिय का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल सकता है। आपके घर में आज शांति रहेगी। संतान की ओर से आपको आज सुखद समाचार मिलेगा। आपकी संतान जो है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है या किसी भी बड़ी कंपनी में वो नौकरी कर रही है, तो वहां उसको एक योग बन रहे हैं कि उसको अपने ऑफिस की ओर से कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है। उससे प्रमोशन के भी पूरे चांस बन रहे हैं। शायद तनख्वाह में भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, मलमास का महीना आपके लिए शुभ है। कई सारे आपके काम बन सकते हैं। आपको इस माह विशेष फायदा होने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी की मांगें तनाव का कारण बन सकती हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखने की विशेष जरूरत है। अपने मिजाज के लोगों के साथ साझेदारी करने से आपको तुरंत अच्छा फायदा होगा। इसलिए अच्छा है कि साझेदारी में तुरंत कोई व्यवसाय ना करें। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर ज्यादा बातें ना करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वस्त्रों पर खर्च बढ़ेंगे। परेशानी भी आज कम हो सकती है। पुराना चला आ रहा हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में मामला निपट सकता है। आज किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा करेगा। जो आप कोई निवेश करेंगे तो उसमें आपको जरूर फायदा होगा। धनुराशि, इस मलमास के माह में आपके लंबित पड़े कोर्ट कचहरी के मामले सुलझ सकते हैं। इस माह छात्र तरक्की करेंगे। पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना होगा और मन को उच्चतनों से बचाना होगा। थोड़ा धैर्य रखें। दूसरों की बात सुनेंगे तो गलत फहमी सुलझ जाएगी। अचानक यात्रा और फायदा हो सकता है। मन के अनुकूल यात्रा करें, लाभ मिलेगा। भय और तनाव आपके जीवन में हावी रहेंगे। झंझट में बिल्कुल ना पड़े। धन मिलने के आसार लग रहे हैं। कई दिनों से जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं, आज उससे अचानक मुलाकात होने की संभावना बन रही है। पार्टनर या किसी स्वजन के कारण आर्थिक लाभ होगा। प्रभु और संतों पर यकीन गहरा होगा। आपको आज जो बाबा या कोई भी भगवान के प्रति आपकी आस्था देखते ही बनेगी। आज आपका मन भगवान में ज्यादा होगा। मकर राशि, इस महीने में आपको लाभ ही लाभ होगा। पैसे के मामले में तरक्की होगी। धन का आगमन होगा। छिपे हुए दुश्मन आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए अधीर होंगे। फिर भी मानसिक रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी। साथ में प्रवास का और सुरुचिपूर्ण भोजन का भी योग है, लेकिन आप इन सब की उपेक्षा कर दें, केवल अपने काम पर ध्यान दें। पारिवारिक सहयोग के साथ प्रगतिवादी समय रहेगा। कुंभ राशि, आपको मलमास में छठे दिन काफी दिक्कत होगी। नुकसान के योग नजर आ रहे हैं। यदि आपने पढ़ाई करके किसी सरकारी नौकरी में अपनी किस्मत आजमाई है तो आज उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे आपकी किस्मत में सफलता के भी योग बन रहे हैं। आज आपको घर से बाहर निकलते समय भी सोचना पड़ेगा। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। किसी से वाद विवाद के चलते भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। घर से बाहर निकलते समय आप सीधे राह पर चलें, किसी से आप बेवजह ना अटकें। यदि आपको कोई रास्ते में परेशान भी कर रहा है तो आपको आज शांत रहने की विशेष जरूरत है। किसी भी प्रकार का झगड़ा आप मोल लेंगे तो उसमें आपको ही नुकसान होगा। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि आपकी जिंदगी तबाह भी हो सकती है। मीन राशि, यह मलमास का महीना मीन राशि वालों के लिए घातक साबित हो रहा है। इनको काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समस्या ज्यादा होगी, बल्कि समाधान निकालना मुश्किल हो जाएगा। आज आप निवेश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भूल से आज आपने निवेश कर दिया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि कोई समस्या है तो उसे टाले नहीं, बल्कि जल्दी से जल्दी उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। घर में भी आपके आज कलेश हो सकती है, लेकिन आपको कलेश से बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। संतान की ओर से आपको आज दुखद समाचार मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।
ओम।